नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ जो कि है किनवा का। तो हम बनाएंगे किनवा पोहा। किनवा बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। इसमें मैग्नीज, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन होता है, फाइबर से भरपूर होता है, इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये ग्लूटेन फ्री है। और डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उनके शुगर लेवल को लो करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। तो चलिए हम बनाते हैं किनवा पोहा। मैं मोदी केयर का किनवा यूज कर रही हूँ जो कि सोल फ्लेवर्स का है। तो चलिए हम इससे अपना किनवा पोहा बनाते हैं। ये मैंने 3 कप किनवा लिया है और इसकी ये शुरू की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, इसे अच्छी तरह से भिगोकर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसका पानी निकाल के इसे हम बॉईल करेंगे। इससे दुगना पानी रख के हम उसको बॉईल करेंगे। तो मैं 5 मिनट के लिए इसको भिगो दे रही हूँ। जब तक हमारा किनवा भीग रहा है तब तक हम उसके लिए प्याज काट लेते हैं। प्याज को मैं इतना मोटा काटूंगी। प्याज हमने काट ली है, अब हम आलू को भी काट लेते हैं। छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। हमने आलू को ऐसे पतला पतला छोटा काट लिया है। अब चलिए, 5 मिनट हो गए हैं, हमारा किनवा भीग चुका है, उसे देखते हैं। भीगे हुए किनवा को हम ऐसे हाथ से मस लेंगे कई बार और फिर इसको पानी से 2-3 बार धोएंगे। इसका जो पानी था मैंने निकाल दिया है, फिर से मैं एक बार पानी डाल रही हूँ। इसे फिर से ऐसे हम हिला लेंगे और फिर इसका पानी निकाल देंगे। अब मैं इसमें एक बार और पानी डाल रही हूँ और अब इसको हम चलनी में निकाल देंगे। किनवा उबालने के लिए हम इसका डबल पानी लेंगे। मैंने इस कप से नाप के 3 कप किनवा लिया है, तो ये मैंने 6 कप पानी नाप लिया है जो मैं इस भगोने में डाल रही हूँ। और इसको हम उबलने रख देंगे और इसमें किनवा डाल के बॉईल करेंगे। इस पानी में मैं ये किनवा डाल देती हूँ और इसको पूरा बॉईल होने में, एक बार बॉईल आ जाएगा इसमें तो हम इसको ढक देंगे और ढक के लो फ्लेम पर इसको बॉईल होने देंगे। पैन गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और इसमें मैं अब राई डाल रही हूँ, मोटी वाली राई है ये, 1 चम्मच राई डाल दी है। इसके कैकल होते ही हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे 2। इसमें हम पहले मूंगफली भून लेंगे जिससे कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। मूंगफली इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो स्लो फ्लेम पे पहले हम इन्हें भून लेंगे। इसमें प्याज डाल रही हूँ, हमारी मूंगफली भून चुकी है। हमने जो अपना किनवा उबलने रखा था, देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है पानी में। अब मैं इसकी फ्लेम स्लो कर दे रही हूँ और इसको ढक देती हूँ। इसमें करीब 15-20 मिनट लगेंगे पूरा बॉईल होने में। प्याज हमारी आधी भून चुकी है, अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। बाकी प्याज आलू के साथ भून जाएगी। आलू मैंने थोड़ी देर भून लिए हैं, अब ये आलू अच्छी तरह से गल जाएं इसलिए मैं इसको फ्लेम को स्लो करके 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दी है। हमारा किनवा बहुत अच्छा तैयार हो गया, देखिए कितना खिला खिला बना है। अब ये कोई भी डिश बनाने के लिए तैयार है। ये मैंने बीच में आलू खोल दिए हैं, अब इसमें मैं थोड़ी सी गाजर बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। सब्जियाँ आप अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। और थोड़ी सी ये उबली हुई मटर डाल रही हूँ। अब थोड़ी देर इसको भून के फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। बीच में खोल के मैं इसमें 2 चम्मच करीब पानी डाल रही हूँ जिससे अच्छी तरह से गाजर गल जाए और फिर ढक देंगे। गया है हमारे गाजर, आलू, मटर सब गल गए हैं। थोड़ा सा इसको चला के अब इसमें हम किनवा डालेंगे। इतने अमाउंट के की सब्ज़ी में, जिसमें मैं पोहा बना रही हूँ, सब्ज़ी में ये उबला हुआ किनवा करीब 2 कप भर के पड़ जाएगा। मैं आपको नाप के इसीलिए डाल के दिखा रही हूँ। किनवा मैंने डाला और अभी 1 कप है इसमें और डालेंगे।
एक कप किनवा मैंने इसमें और डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, और इसमें दो चम्मच करीब नींबू का रस डाल देंगे। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के डाल दे रही हूँ, और फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हेल्दी किनवा नाश्ते में खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।